आज हम लोग एसी सर्किट्स चैप्टर के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी एसी सर्किट में लगी 10 हेनरी की चौक का रेसिस्टेंस 50 ओम है तो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, पावर फैक्टर का मान कितना होगा तथा सर्किट में पावर खपत क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में एक क्वाइल लगा हुआ है 10 हेनरी का और रेसिस्टेंस का मान है 50 ओम, सप्लाई 250 वोल्ट एसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा 50 हर्ट्ज ऑब्लिक 50 हर्ट्ज। फाइंड हमको करना है जेड, दूसरा फाइंड करना है कॉस फाई और तीसरा फाइंड करना है पावर फैक्टर का मान। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो भी दिया हुआ है हम लोग का 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हम लोग का 50 हर्ट्ज और एल का मान दिया हुआ है 10 हेनरी, रेसिस्टेंस का मान है हम लोग का 50 ओम। अब हम लोग सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर होता है 2 पाई एफ एल, तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया 50 इंटू एल हो गया हम लोग का 10। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 500। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आता है आंसर 3140 ओम, अर्थात इस सर्किट का इम्पीडेंस हुआ 3140 ओम। अब हम लोग को इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला होता है जेड इजकल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो रूट हम लोग का हो गया 50 का स्क्वायर बाई 3140 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो गया 2500 प्लस 9859600। अब हम लोग इसको ऐड कर करके इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 3140.38 ओम। तो इम्पीडेंस हम लोग का आया 3100, अर्थात जेड इजकल टू 3140.38 ओम। अब सेकेंड हमको निकालना है कॉस फाई। कॉस फाई निकालने के लिए कॉस फाई का पावर फैक्टर का होता है फॉर्मूला कॉस फाई इजकल टू आर बाई जेड। तो यहां हम लोग लिखेंगे 50, आर का मान हो गया हम लोग का और 3140.38। जब इसको सॉल्व किए तो आ गया 0.016, ये हो गया हम लोग का पावर फैक्टर। अब थर्ड हम लोग को निकालना है पावर। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है पी इजकल टू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो हो गया हम लोग का वी हो गया पहले से दिया हुआ है 250 वोल्ट इंटू आई के लिए वी बाई आर होता है हम लोग का फॉर्मूला, तो 250 बाई 3140.38 इंटू 0.016 इजकल टू 31.8 वाट।